हम दिल्ली के आईआईटी में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर हैं आचार्य प्रशांत लोकसभा चुनाव सर पर है फिलहाल जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन्हें क्या सोचकर और किसे वोट देना चाहिए क्या लगता है एक चुनावी सवाल वो डिजर्व करता है आपका नेता होना जाहिर सी बात है इस कमरे में अगर मैं बोलू सौ शेर बैठे हैं राजा तो एक ही बनेगा वो क्या रास्ता होगा इनके लिए ये जितने शेर बैठे हैं सबके लिए इस जमीन पर बहुत जगह है। बहुत से बच्चे प्रेशर में आकर के सुसाइड कर लेते हैं अब वो एक अकेलापन जो है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे तो मैं सोचा करता हूं मैं कहता हूं अगर मैंने आईटी में ही खेलना सीख लिया होता तो इसको तो मैं तोड़ देता टैंक मिला था और उसका इस्तेमाल किस लिए किया कि उससे मच्छर मार दिए पांच सात और बहुत खुश हो रहे हैं चिंता ये करो कि टैंक मिल गया है अब क्या मैं सही लड़ाई लड़ पाऊंगा अर्जुन की तरह इस वक्त हम दिल्ली के आईआईटी में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर हैं आचार्य प्रशांत जी सर पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हम आपको रोज़ हमारे चैनल में सुबह देखते हैं एक बार आपसे आज यहाँ पर भी चर्चा करने का मौका मिला बड़ी बात है सर हम फिलहाल अभी यूथ के बीच में हैं और काफ़ी समय से मैं सुन रहा था बहुत पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है वैसे बच्चे डर रहे हैं प्लेसमेंट को लेकर के अभी कुछ खबरें चलती हैं क्योंकि अब आजकल में आई हो या आई हो इसको देखते हुए ये देख रहे हैं कि जो प्लेसमेंट्स हैं बहुत ही मुश्किल हो गया बच्चों के ले पाना बहुत मेहनत करके आईआईटी तक आ गए आईएम तक आ गए लेकिन अब प्लेसमेंट्स जो एनजाइटी है वो जरूर देखने को मिल रही है उसको कैसे कर सकते हैं देखिए चिंता अपने आप में कोई अनिवार्य रूप से बुरी बात नहीं होती है लेकिन चिंता सही मुद्दे पर होनी चाहिए अगर आईआईटी में आकर भी या आई में होकर भी आपको ये चिंता करनी पड़ रही है कि हाय मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं तो मेरे ख्याल से इस चिंता में कोई दम नहीं है ये बहुत छोटे स्तर की चिंता है ये ऐसी चिंता है जिसको आपको बहुत पीछे छोड़ देना चाहिए था गैर ज़रूरी है अब आपको चिंता ये करनी चाहिए कि आपके हाथ बहुत बड़ा एक संसाधन लग गया है चार साल का अनुभव ज्ञान डिग्री इसके बाद भी क्या आप एक साधारण सी मेन स्ट्रीम नौकरी ही करोगे यह होनी चाहिए चिंता चिंता ये नहीं होनी चाहिए कि जॉब लगेगी कि नहीं चिंता ये होनी चाहिए कि यह सब करने के बाद भी क्या मैं वही यूजुअल कॉमन जॉब करूंगा जो सारे आई करते हैं भाई जिसके पास ताकत नहीं होती वो तो मजबूर होता है उसकी मजबूरी समझ में भी आती है उसको मजबूर होके वही सब कुछ करना पड़ता है जो दुनिया कर रही है भेड़ को भेड़ों के पीछे चलना पड़ेगा उसकी मजबूरी है पर आप यहां पर आ गए हो और एक बहुत विद्वान आदमी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध होती है भेड़ नहीं हो अब बिल्कुल बिल्कुल तो भेड़ तो हो नहीं अब शेर हो और शेर क्यों अब दस के पीछे चल रहा है शेयर क्यों कह रहा है कि जहां सबकी जॉब लग रही है वही मेरी लगनी चाहिए शेर क्यों कह रहा है कि कैंपस में सब लोग जिस सेक्टर के दीवाने हैं या जिस कंपनी के दीवाने हैं मुझे भी वही जॉब मिलनी चाहिए शेयर ये क्यों कह रहा है आपके पास तो बहुत बड़ी ताकत आ गई है पावर शुड लिबरेट और होता यह है उल्टा देखने को जो मिल रहा है कि जिनके पास ही डिग्री आ गई है वो और ज्यादा टेंशन में आ गए हैं ये तो उल्टी बात है ना आपको तो अब आप कहना चाहिए कि ये तो अब मुझे फिक्र बची ही नहीं है कि जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी आई हैव ग्रेजुएटेड टू हाइयर लेवल ऑफ कंसर्न आई एम स्टिल बट द लेवल ऑफ कंसर्न हैजेंडेड आम आदमी की चिंता होती है कि किसी तरह नौकरी लग जाए बस घर चलने लगे पेट चलने लगे ठीक मुझे ये चिंता करने की अब कोई जरूरत ही नहीं मेरी चिंता ये है कि क्या मैं अपनी जिंदगी को अब एक सार्थक लक्ष्य दे पाऊंगा या भेड़चाल में फंसकर बस पैसा कमाता रह जाऊंगा यह चिंता होनी चाहिए यह चिंता क्यों नहीं कर रहे हम और एक बार आप यह चिंता करने लगोगे वॉट टू डू विथ दिस डिग्री ये एक रिसोर्स है ये एक वेपन है ये ताकत है जिसके माध्यम से आप दुनिया बदल सकते हो दुनिया बदलने की जगह आपको बस ये करना है कि अपने घर में फर्नीचर और गाड़ी ले आ लेनी है चिंता ये होनी चाहिए और इसकी चिंता जरूरी है क्योंकि इसकी संभावना प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है मैं 20 बैच देख चुका जो यही कर रहे हैं कि डिग्री लेकर जाते हैं और डिग्री का इस्तेमाल बस किस लिए होता है अच्छी शादी हो जाएगी 80-90 परसेंट लोग बाहर सेटल हो जाते हैं मकान अच्छा आ गया ये सब हो गया ये ऐसी सी बात है कि आपने टैंक का इस्तेमाल मच्छर मारने के लिए कर लिया हुँ? मुझे तुलना करना बड़ा पसंद है कि टैंक मिला था और उसका इस्तेमाल किस लिए किया कि उससे मच्छर मार दिए पांच सात और बहुत खुश हो रहे हैं चिंता यह करो कि टैंक मिल गया है अब क्या मैं सही लड़ाई लड़ पाऊंगा अर्जुन की तरह सोचो अर्जुन अगर कोई छोटी मोटी लड़ाई लड़ रहे होते तो कृष्ण उनके साथ आते क्या अर्जुन कोई छोटी मोटी लड़ाई लड़ रहे होते तो उन्हें गीता मिलती क्या अर्जुन बनना ही इस बात पर निर्भर है कि तुमने जिंदगी में कितनी बड़ी लड़ाई चुनी अब चिंता यह होनी चाहिए कि मैं कोई बड़ी लड़ाई चुन पाऊंगा या छोटे ही मुद्दों में उलझ कर रह जाऊंगा यह होनी चाहिए चिंता वो चिंता हम करते नहीं और जब आप सही चिंता नहीं करते तो उसकी सजा ये मिलती है कि छोटी मोटी सौ चिंताएं सौ छोटे मोटे मच्छरों की तरह आपके कान में भन भनाने लगती हैं वो हाल होता है हमारा जिंदगी में एक बड़ी चिंता ले आ लो छोटी मोटी चिंताएं सब दूर हो जाएंगी आपने शेर की बात करी जाहिर सी बात है इस कमरे में अगर मैं बोलू सौ शेर बैठे हैं राजा तो एक ही बनेगा वो क्या रास्ता होगा इनके लिए ये जितने शेर बैठे हैं सबके लिए इस जमीन पर बहुत जगह है और इनको और इनको जहां पर शासन करना है वो जगह जमीन की सीमाओं से बंधी हुई नहीं है ना हम जिस शासन की बात कर रहे हैं जिस बादशाहत की बात कर रहे हैं वो यहां की होती है यहाँ की जो आदमी शिक्षित नहीं होता जिसके पास दुनिया का ज्ञान नहीं होता उसको यहां से दबकर जीना पड़ता है यहां से तो मैं कह रहा हूं चिंता ये होनी चाहिए कि सब कुछ पा लेने के बाद भारत ही नहीं दुनिया में आई की डिग्री वजन रखती है ये हो जाने के बाद भी क्या मुझे यहां से दबके जीना पड़ेगा आप छोटी कंपनी में हो तो भी आपका कोई बॉस है वो आपको बता रहा है जाओ फलाना काम करो और वो करने से हमारा मुनाफा बढ़ जाएगा और उस मुनाफे से जाके मैं ऐश करूंगा आप चले गए हो आपकी बिजनेस कंसल्टिंग में जॉब लग गई है या कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब लग गई है वहां पर भी तो आपका बॉस आपसे यही कह रहा है मुझे और मुनाफा कमा करके दो ताकि मैं जाके याशी कर सकूं। दोनों स्थितियों में यहां से तो आप गुलाम ही रह गए ना यहां से तो गुलाम ही रह गए गुलाम तो गुलाम है चाहे वो राजा का गुलाम हो और चाहे वो जंगल में किसी लुटेरे का गुलाम हो क्या फर्क पड़ता है या राजा की गुलामी करने में कोई खास गरिमा है ये आपको सवाल पूछना है कि शेर हूं मैं अब गुलाम बन के नहीं जीऊंगा अब मैं वो करूंगा जो करने के लिए एक सही इंसान पैदा होता है रोजी रोटी की लड़ाई तो जानवर भी रोज लड़ते हैं बंदर लगातार क्या कर रहा है चील लगातार क्या कर रही है चूहा लगातार क्या कर रहा है और शेर लगातार क्या कर रहा है ये भी बस यही हिसाब कर रहे हैं कि कहां से खाने पीने को मिल जाए किस पेड़ पे चढ़ने को मिल जाए कौन सी गुफा हथिया लू और किसी तरीके से मैं शेरनी को ला या चूहिया को ला करके सेक्स कर लू बच्चे पैदा कर लू घर बसा लू और अगर आप यहां से निकल करके बस यही सोच रहे हो कि किस तरीके से अब मुझे अच्छी लड़की मिल जाएगी अच्छी नौकरी मिल जाएगी अच्छा वाला वीज़ा मिल जाएगा सिटीजनशिप मिल जाएगी बड़ा घर मिल जाएगा बड़ी गाड़ी मिल जाएगी तो आप चूहे से और बंदर से अलग कैसे हो गए ये जो बायोलॉजिकल टेरिटोरियल और सेक्शुअल इंस्टिंक्ट्स होती हैं ये तो हर जानवर में होती हैं इस डिग्री के बाद आपको इसी गुलामी को तो चुनौती देनी है ना कि अब मैं साधारण नहीं रहूंगा और साधारण न रहने के लिए अब मेरे पास एक रिसोर्स है कौन सा रिसोर्स ये ज्ञान जो यहां पाया जो अनुभव यहां पाया यहां जो मैंने जान लड़ाना सीखा यहां जो मैंने प्रतिस्पर्धा सीखी कॉम्पिटिटिवनेस सीखी ये अब आगे मेरा रिसोर्स बनेगी मैं बड़े युद्धों में जूझ सकता हूं मैं अर्जुन बन सकता हूं बिल्कुल लेकिन अब देखिए लेकिन जिस तरीके से बच्चे मेहनत करके आईआईटी आ जाते हैं एक अकेलापन जरूर रहता है पहली बार घर से बाहर निकले हैं तो उस अकेलेपन को कैसे ये सॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि आप देखिए बहुत से बच्चे प्रेशर में आकर के सुसाइड कर लेते हैं अब वो एक अकेलापन जो है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे न देखो घर से पहली बार बाहर निकले हो तो पहली बार इतना बढ़िया स्विमिंग पूल भी तो मिला है पहली बार ये टेनिस कोर्ट्स मिले हैं पहली बार रात भर खुले रहने वाला बैडमिंटन कोर्ट मिला है सैक मिला है पहली बार स्क्वाश कोर्ट्स मिले हैं आप में से कितने लोगों ने आईटी आने से पहले स्क्वाश खेला था यह सब पहली बार ही हो रहा है ना या पहली बार बस घर से बाहर निकलने की तनहाई हो रही है अगर यही गिनना है कि पहली बार जिंदगी में क्या हो रहा है तो पहली बार तो जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है वो क्यों नहीं गिनते हो मैं स्क्वाश का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि चार साल में यहां रहा मैं, मैं स्क्वाश कोर्ट पे एक बार भी नहीं गया मैंने स्क्वाश खेलना जानते हो कब शुरू किया सैंतीस की उम्र में सैंतीस की उम्र में और सीखते सीखते मुझे तीन चार साल लग गए अब मैं खेलता हूँ अच्छा खेलने लग गया हूँ लेकिन अब जो बिल्कुल जवान लोग हैं ट्वेंटीज़ में उनका मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है सिर्फ एजिलिटी के पैमाने पर तो मैं सोचा करता हूं मैं कहता हूं अगर मैंने आई में ही खेलना सीख लिया होता तो इसको तो मैं तोड़ देता मुझे पता है मेरा गेम उससे बेहतर है मुझे पता है मेरा सिलेक्शन उससे बेहतर है पर जैसे ही मामला तीसरे चौथे गेम में पहुंचता है तो फिर स्टेमिना एजिलिटी ये चीजें आ जाती हैं बीच में और आप पैंतालीस की उम्र के बाद पच्चीस वाले को मैच करना थोड़ा यहाँ जो कुछ है उसका फायदा क्यों नहीं उठा रहे सर, क्या कह रहे हो चैलेंज किया आपको खेलने के लिए अच्छा ये चैलेंज भी न... हो सकता है जीत जाओ भाई <laughs> मैं मैं, मैं सिलेक्शन पे चैलेंज कर रहा सर हाँ तो शॉर्ट सिलेक्शन भी बेहतर हो सकता है सब हो सकता है आप यहाँ पर हो आपको तो और बेहतर हो जाना चाहिए मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मैंने गलती करी कि मैंने यहां पर नहीं करा मैं यहाँ पर क्रिकेट टेबल टेनिस इसमें एक्टिव था टेबल और... टेनिस में भी कोई बुराई नहीं है जितना हो सके सब लो ना रुकने में बुराई है और रुक के बोलो कि अब मैं लोनली हूं इसमें तो बहुत बुराई है अपने कमरे में पड़े हुए हो मुझे नहीं मालूम बियासी में अब कितने क्लब्स हैं मेरे समय पे तेरह होते थे अब नौ हैं आपके टाइम पे नौ थे अब इतने सारे क्लब्स हैं उन क्लब्स में जाकर के एक्टिव नहीं हो रहे हो और कमरे में बैठ के रो रहे हो कि मैं तन्हा हूँ तो फिर तुम्हारा क्या इलाज है यहाँ पर ड्रामेटिक्स म्यूज़िक बीएसपी होता था उसमें आप राइटिंग कर सकते हो क्या क्या नहीं कर सकते हो और आप जहाँ से भी आए हो सकता है आप बहुत प्रिवलिस्ड बैकग्राउंड से आए हो लेकिन इतने एवेन्यूज़ इतने क्रिएटिव एवेन्यूज़ तो आपको तब भी नहीं मिले होंगे बिल्कुल हो सकता है कि आप बहुत अमीर घर से आ रहे हो और आपके पास किसी बड़े क्लब की मेंबरशिप हो मैं तीन क्लब्स का मेंबर हूं इस समय लेकिन वो तीनों क्लब्स मिलाकर भी उतनी फैसिलिटीज नहीं दे पाते जितना आईटी दिल्ली का कैंपस देता है था। 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 तो जब आप यहां पर हो तो आपको लोनली होने की फुर्सत कैसे मिली ये समझाओ लोनली होने के लिए भी फुर्सत चाहिए और ये चार साल पलक झपकते बीत जाने हैं इतनी बड़ी लाइब्रेरी है इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करना है क्यों नहीं करना है जिम है क्यों नहीं इस्तेमाल करना है उसका एक सवाल मैं इस पर और पूछूंगा कि दोस्ती यारी आपको क्या लगता है कितनी जरूरी है दोस्ती यारी तो होती ही है सवाल यह है किससे <laughs> कोई नहीं मिलेगा जो कहे कि मेरी जिंदगी में कोई नहीं है बस उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि जिसको आप जिंदगी में रखे होते हैं वो आपकी कमजोरियों को बढ़ाने का ही काम कर रहा होता है ग्रुप्स बनते हैं कैंपस में मैं हो सकता है बहुत आउटडेटेड बात कर रहा हूँ अब तीस साल बीत रहे हैं पर जो ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ नहीं करना बस पड़े रहना है कमरे में ऐसे पाँच छः मिलकर अपना एक ग्रुप बना लेते हैं ये तुमने अपनी कमजोरी को बनाए रखने का बंदोबस्त कर लिया क्योंकि तुमने वैसे ही लोग अपने चारों तरफ कर लिए जो तुम्हारी तरह हैं ये अधिक से अधिक क्या करेंगे और सब ऐसे ही होंगे न खेलते ना कूदते ना जिम जाते न स्विमिंग करते न दौड़ लगाते कुछ नहीं करते ना पढ़ते न लिखते ना कमरों में जाओगे तो बस फोटो कॉपीड नोट्स मिलेंगे अब पता नहीं चलते हैं कि नहीं अब तो शायद डिजिटल कॉपीज आ जाती होंगी पर हमारे समय पर एक स्पीशीज़ हुआ करती थी जिनके पास बुक्स भी नहीं मिलती थी उनके पास बस नोट्स मिलते थे दूसरों के वो ऐसों की घात लगा के रखते थे जो क्लास में नोट्स बनाते थे और क्विज या माइनर या मेजर से पहले जाके उनका फोटो कॉपी करा के रख लेते थे ऐसे करके चार साल बिता दो और फिर कहो कि कैंपस से कुछ मिला नहीं तो फिर तो चूक खुद में थी ये मत बोलो कि कैंपस हमें कुछ दे नहीं पाया जिन्हें लेना होता है वो कैंपस को लूट के जाते हैं समय थोड़ा सा सीमित है तो मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न करूंगा लोकसभा चुनाव सर पर है फिलहाल जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन्हें क्या सोचकर और किसे वोट देना चाहिए क्या लगता है <laughs> एक चुनावी सवाल जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो 18-20 साल का होगा और जिसको तुम वोट देने जा रहे हो उसके पास 18-20 साल है नहीं अब बात को समझो ये सब बूढ़े लोग हैं ये पांच दस साल में निपट लेंगे लेकिन ये ऐसे काम करके जा रहे हैं जो आपको अपनी जिंदगी में अगले पचास साल भुगतने पड़ेंगे तो आपकी दृष्टि थोड़ी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए मैं बार बार बोलता हूँ कौन सा नेता है कौन सी पार्टी है जो बायोडाइवर्सिटी की बात कर रही है जो क्लाइमेट चेंज की बात कर रही है उनका मैनिफेस्टो पकड़ो तुम्हारे पास कोई कैंडिडेट आए तुम्हारा वोट मांगने उससे पूछो कि जो बड़े मुद्दे हैं उन पे आप क्या करने जा रहे हो क्योंकि हम जवान लोग हैं हम 18 के हैं हम 20 के हैं हम 25 के हैं हमें अभी 50 साल जीना है इस पृथ्वी का क्या होने जा रहा है ये बताओ तुम तो कैंडिडेट हो तुम तो कोई बहुत ही मायोपिक बात करके बस ये चाहते हो कि तुम ये वाला इलेक्शन जीत जाओ अगला इलेक्शन तुम्हें लड़ना नहीं है या अगला लड़ भी लिया तो उसके अगला तुम्हें नहीं लड़ना है या तो तुम्हारी पार्टी डिस्कालीफाई कर देगी या हार जाओगे या मर जाओगे हमें जीना है वॉट काइंड ऑफ अर्थ आर यू बिक्विथिंग टू अस तुम्हारे शॉर्ट टर्मिज्म का सारा खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा जो असली मुद्दे हैं जिंदगी के पूरी पृथ्वी के उनकी तुम बात ही नहीं करना चाहते तुम हमें उलझा के रखना चाहते हो बिल्कुल छोटे छोटे माइक्रो मीनिंगलेस इश्यूज में गॉसिप लेवल इश्यूज में तो जो आपसे बड़े मुद्दों की बात करे उसका साथ दीजिए और कैसे किसी धूर्त को पहचानना है वो आपसे बिल्कुल ही टुच्चे मुद्दों की बात करेगा एकदम जो सास भी कभी बहुत ही उस स्तर के उसने ऐसा बोल दिया उसने ऐसा बोल दिया उसने दो रुपए चुरा लिए उस पेड़ पे बंदरों की तादाद बढ़ रही है हमारे पेड़ का क्या होगा फलाना आके आ, मेरा ब, ब, केला रखा हुआ था वहाँ पे टेबल पे उठा ले गया जो इस तरह की बात कर रहा हो जान लो कि वो बस अपना उल्लू सीधा करना चाहता है असली नेता सही राह दिखाता है ना असली नेता जनता के पीछे नहीं चलता है असली नेता जनता को राह दिखाता है और उसके पास फिर अपनी एक इनर इंटीग्रिटी होनी चाहिए उसके पास अपनी भीतरी सच्चाई होनी चाहिए वो चलता है अपनी सच्चाई के पीछे और जनता चलती है उसके पीछे और धूर्त नेता की पहचान ये होती है कि वो जो आपका लोएस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस होगा उसको अपील करेगा हम अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं हम पूरा स्पेक्ट्रम होते हैं ना हमारे भीतर कुछ ऐसा होता है जो बहुत छोटे क्षुद्र टुच्चे मुद्दों में उलझना चाहता है होता है कि नहीं और हमारे भीतर कुछ ऐसा होता है जो सब्लाइम होता है ऊंचा होता है ब्रॉड होता है मैग्नेनिमस होता है आप देखो कि जो कैंडिडेट है या लीडर है वो आके आपके स्पेक्ट्रम का कौन सा पॉइंट एक्टिवेट कर रहा है क्या वो आपको टुच्चे की तरफ धकेल रहा है क्या वो आपको लिमिटेशंस की तरफ धकेल रहा है माइक्रो की तरफ धकेल रहा है या वो आपको मैक्रो की तरफ उठा रहा है जो आपको उठाता हो जो आपको जिंदगी और पृथ्वी के बड़े मुद्दों से परिचित कराता हो वो डिजर्व करता है आपका नेता होना और जो आपसे जितने छोटे लेवल की बात करता हो जान लो ये तो ऐसे ही कोई वोट का व्यापारी है ठगने आया है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए फिर से इस चर्चा को हम आगे कभी कायम रखेंगे बाकी सुबह हम आपको सुनते ही हैं बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए धन्यवाद तो यहाँ दिल्ली से शुभांग सिंह ठाकुर एन इंडिया Hi, my name is Rajat Tiwari. I'm a PhD first year student at IIT Delhi. I've been listening to Ashar Vashanji since three, three and a half years now. I didn't actually quite believe that, yes, I'm going to see him live in person. So that's a gift that IIT Delhi has given me. I came to IIT Delhi, I think, so only because of him. He was the sole motivation for me to leave my job which uh, i was doing good at but i was not happy i really wanted to do come back to academics and it was his motivational words and his talks that really motivated me to take this step yeah it's been amazing i'm waiting for him to just come out and so that i can get uh, an autograph of him on my just purchase book yeah so, excuse me sir. so i just wanted to get an autograph thank you sir whatever you wish or some. Message that you want to. Yes. yes. Twenty-fourteen zero four. Sir, this Thank you. Thank you so much.